अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अलिटिल किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वो है मटन कोयला कढ़ाई, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए बनाते हैं। मटन कोयला कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये बहुत ही ईजी रेसिपी बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो आए देखते हैं। मटन कोयला कढ़ाई बनाने के लिए मैंने मटन लिया आधा किलो बकरी का गोश्त, जिसको 2 टेबल स्पून पपीता का पेस्ट लगा के रख दिया था आधा घंटे के लिए। 1 टीस्पून लिया है नमक, सॉल्ट, 2 टेबल स्पून लिया कढ़ाई गोश्त मसाला। नमक और मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून लिया 3D पेस्ट, अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट। 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा, 1 कप लिया है तेल, ऑयल, 1 पीस मैंने कोयला लिया है। इसके अलावा 4 अदद टमाटर लिए हैं, फ्रेश टमाटर। इसके अलावा 4 अदद लिए मोटी वाली हरी मिर्चें, ये तेज़ वाली मिर्चें हैं। थोड़ा सा अदरक लिया था। 2 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया लिया है। 1 टीस्पून लिया है हल्दी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आपने लेना है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में गोश्त डाल दें। मैं यहाँ पर कोई तेल कुछ भी यूज़ नहीं करी, सिंपल सा मैंने गोश्त डाला है प्रेशर कुकर में, और फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। गोश्त को मैं 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी, जब तक कि कलर चेंज नहीं होता। इस पॉइंट में आपने इसके अंदर डालना है 1 टीस्पून के करीब नमक। अच्छे से कर लें मिक्स। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है, ये देखिए। अब आपने इसमें 2 कप पानी डालना है। और 20 मिनट के लिए आपने प्रेशर कुकर में इसको पका लेना है। 20 मिनट हो चुके थे, गोश्त हमारा पक चुका है, इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए गोश्त को मैं निकाल चुकी हूँ। चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले आपने कोयला रखना है चूल्हे पर, ताकि कोयला अच्छे से गर्म हो जाए। जब तक कोयला गर्म होता है, हम टमाटरों का छिलका उतार लेते हैं। टमाटर का छिलका मैं उतार चुकी हूँ और उसको क्यूब्स में काट लिया है। एक मैं आपके सामने काट के दिखाती हूँ। इस तरह से काट लें। ये देखिए मैं काट चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, अब मैं इसमें डालूँगी तेल। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब बटर डालूँगी। अगर आप बटर नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से कर लें मिक्स। ये देखिए बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा। ज़ीरे को मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगी अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट, 3D पेस्ट। अच्छे से कर लें मिक्स। तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लें। अदरक लहसुन को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी मटन। मटन को भी मीडियम फ्लेम पे मैं 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करूंगी। दो मिनट हो चुके हैं, मटन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब आपने फ्लेम को करना है लो और इसमें डाल दिया टमाटर, साथ ही कढ़ाई गोश्त मसाला। नमक, हल्दी अच्छे से कर लें मिक्स। फ्लेम आपने लो रखना है इस पॉइंट पे। बस अब आपने इस पॉइंट पे इसको करना है कवर तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद चेक करते हैं। फ्लेम आपने लो ही रखना है। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए अच्छे से कर ले मिक्स। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें।
एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। बस अब आपने इसको कवर करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। फ्लेम मैंने लो ही रखा है। पाँच मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। बस अब आपने इस पॉइंट पे आके इसके अंदर कोयला रख देना है। इस तरीके से रख लें। थोड़ा सा तेल डाल दें, मैं वही तेल डाल रही हूँ जो मैंने कढ़ाई के अंदर डाला था। अब मैं इसको कवर कर लूँगी तकरीबन 3 मिनट के लिए। आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए मैं निकाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छे से कर लें मिक्स। लीजिए मेरे स्टैंड में बनने वाली मटन कोयला कढ़ाई रेडी है। अगर आप डिश आउट करना चाहते हैं तो डिश आउट भी कर लें, लेकिन कढ़ाई का मज़ा जो कढ़ाई आता है वो असल में कढ़ाई के अंदर खाने में ही आता है, तो मैं इसको डिश आउट नहीं करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले मेरी लेटेस्ट वीडियो मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।